नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। एक गीत आया दोस्तों, लब पर आए गीत सुहाने, वो मैं आपके समक्ष आज शेयर करूं। सर्वप्रथम मैं आपको कंपोजिशन सिखाऊंगा, कंपोजिशन के बाद फिर हम सीखेंगे नोटेशन, और नोटेशन के बाद फिर हम उसको ताल में गाना सीखेंगे। ये जो ठुमरी है बेसिकली शंकर एहसान लॉय साहब की कंपोजिशन है, स्पेशली शंकर महादेवन साहब ने इसकी स्वर रचना की है, और ये गीत जो है ये मिश्र किरवानी में। बेसिकली इस ठुमरी का अगर हम विश्लेषण करें दोस्तों, तो 10 स्वरों का इसमें प्रयोग हुआ है। राग किरवानी 7 स्वरों की राग है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ग कोमल और ध कोमल, लेकिन इस ठुमरी में हम देखने को मिलता है, एक तो ग शुद्ध का प्रयोग हुआ, इसके अलावा धैवत भी शुद्ध प्रयोग हुआ और कोमल निषाद का भी प्रयोग हुआ है। इसका मतलब 7 स्वर किरवानी के प्लस 3 विवादी स्वर, मतलब जो राग में लगते नहीं, जो शत्रु स्वर है उसका प्रयोग हुआ है। तो 10 स्वरों से ये मिश्र किरवानी हो जाती है, क्योंकि प्योर किरवानी नहीं है, किरवानी में हमने मिश्र कर दिया इसका अन्य स्वरों का, इसलिए ये मिश्र किरवानी हो गई दोस्तों, है ना। तो ये 10 स्वरों का इसमें प्रयोग हुआ है, ताल इसमें दादरा है। इस लेक्चर के लिए मैं सी शार्प पिच अपना लेके चलूंगा, मतलब पहला काला, लेकिन जावेद अली साहब ने इसको ई माइनर पे गाया, मतलब तीसरा सफेद। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं ये खूबसूरत ठुमरी की। सबसे पहले मैं आपको कंपोजिशन गा के बताता हूँ। लब पर आए गीत सुहाने, देखिए सीधे सीधे स्वर लगे पहले, लब पर आए। मैं अभी आपको नोटेशन नहीं बताऊंगा, सबसे पहले आपको कंपोजिशन सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले कंपोजिशन सीखते हैं लिरिकली, उसके बाद फिर उसका शास्त्र देखा जाता है, और उसके बाद फिर हमारी इनोवेशंस, क्या क्या ताल प्रयोग हुई है, ताल में कैसे करना, वो चीजें देखी जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है, आपको पता है मैं स्टेप बाय स्टेप अभी तक चलता हुआ आया हूं, तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप ही आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए लब पर आए गी गी, यहाँ पे देखिए हल्का सा खटका दिया, लब पर आए गीत सुहाने हाने, मान ना जियरा। ये देखिए हल्की सी छोटी छोटी मुर्की दी है, ये निषाद स्वर है, ने ने कोमल निषाद, जब मैं आपको नोटेशन कराऊंगा। मान ना जियरा लाख बहाने, देखिए गला माने ना चेहरा लाख बहाने, थोड़ा गला आपका लचीला होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अलंकार की रियाज, पलटों का रियाज मैंने आपको बता रखा है, यमन में भी खमाज में भी, उससे आपकी ये चीज डेवलप होगी। तो एक बार वापस देखते हैं, लब पर आए गीत सुहाने हाने, नोट कर रहे हैं हम, माने ना चेहरा लाख बहाने, याद तिहारी याद, एक एक सुर बढ़ रहा है देखिए, याद याद तिहारी आए सताने, यहाँ पे देखिए मुर्की है, आए सताने, मध्यम सुर है, मांगा मां कोमल गा, याद तिहारी आए सताने, मन ला के रे पछताने हो। अब देखिए माइनर से मेजर में जाएगी कंपोजिशन, मतलब गंधार शुद्ध, मोरे सैया, इसलिए ये मिश्र किरवानी हुई, मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया बलमवा, ये मुर्की इस ठुमरी की जान है, मोरे सैया मैं लागू तोरे पहिया बलमवाना जलो पर दे, मरे मैं बनी सगा दिसा नहीं था बमा बाप, ये इसकी तान युक्त बोल तान बेसी के लिए, ये बलमवा पे है ना, आगे पिया जी पे, और एक दुहाई दुहाई उसमें, मरे मैं बनी सगा दिसा नहीं था बमा बाप, उसमें इन्हीं तान, इसी तान का यूज किया है आदरणीय शंकर महादेवन साहब ने। तो आइए वापस एक बार स्थाई में आपको गा के बताता हूं। लब पर आए गीत सुहाने,
माने ना जीरा लाख बहाने याद तहारी, यहाँ फील लाना है याद, क्योंकि श्रृंगार रस है किरवानी आला की गंभीर प्रकृति का राग है लेकिन श्रृंगार रस में प्रयोग हुआ है इसका इस ठुमरी में। याद तहारी आए सताने मन ला के रे पछताने हो मोरे सैया मैं लागू तोरे पहिया बलमवाना जलो परदेश सजना जी करूं मैं कैसे राजी पिया जी लागे जिया कोठे लागे जिया कोठे जिया को ठेस लग रहा है उसको गायकी के थ्रू कैसे बताएंगे लागे जिया कोठे। अपने आप एक्सप्रेशन डेवलप होंगे, जैसे खाना खाना है वैसे ही गाना गाना है, अपने आप आपकी चीजें डेवलप होंगी। इसको कहते हैं हम MQ म्यूजिकल क्वेश्चन। मेरा यही पर्पस है इस YouTube चैनल के थ्रू आपका MQ डेवलप करना है ना दोस्तों। चलिए अंतरे की तरफ लेके चलता हूँ। कोमल निषाद से अंतरा चालू हो रहा है नी ओ, अब ये विजुअलाइजेशन चाहिए दोस्तों। ओ मन की पीरा मन ही जाने, ये मिश्र किरवानी हो गई क्योंकि कोमल निषाद का प्रयोग हो गया, शुद्ध दैवत का प्रयोग हो गया। ओ मन की पीरा मन ही जाने कोई न जाने न जानो न जाने बेरी ये दुनिया। देखिए क्या खूबसूरती से गाया जावेद अली जी ने। ओ मन की पीरा ओ मन की पीरा कोई न जाने मन ही जाने न जानो न जाने बेरी ये दुनिया। मैं देखिए फेस का एक्सप्रेशन भी वैसे बताता हूँ ताकि आपका विजुअलाइजेशन बढ़े स्वरों के प्रति गायकी के प्रति। अब लर पछताओ समझ न पाओ रूठ पिया को कैसे मनाओ भेद जिया के किसको बताऊं किसको बताऊं कलेश हो कनाई न छोड़ दे कलाई दुहाई भूल न जा दरवेश। देखिए लर पछताऊं, ये कंपोजिशन जो अंतरे की है वो मेजर में चलती है लेकिन मेजर से माइनर में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। देखिए मन की पीरा कोई न जाने मन ही जाने न जानो न जाने बेरी ये दुनिया लर पछताओ, यहाँ बहुत ध्यान रखना है न जाने बेरी ये दुनिया लर पछताओ समझ ना पाओ। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ना दोस्तों। फिर एंड में अगर हम देखें एंड के इसका एक बहुत शानदार आलाप भी हुए हैं जैसे कि लागे जिया कोठे लागे जिया कोठे लागे जिया कोठे। फिर हाई पिच पे भी गए जावेद अली लागे जिया कोठे लागे जिया को लागे जिया को, फर्क पता चला लागे जिया को लागे जिया को लागे जिया को ठे। तो इस प्रकार ये कंपोजिशन की गई है लब पर आए। चलिए अब हम विश्लेषण करते हैं इसका शास्त्र का, मतलब क्या क्या नोटेशन प्रयोग हुई है, उसके बाद फिर मैं आपको इसको ताल दादरा पर भी गा के बताऊंगा। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये खूबसूरत ठुमरी।
कलेक्शन नंबर 101 लव पर आए गीत सुहाने। आपने इसकी कंपोजिशन तो समझ ली होगी, अब मैं इसकी नोटेशन आप सभी के समक्ष शेयर करने जा रहा हूँ। ये राग मिश्र गिरवानी में है, ताल दादरा 6 मात्रा की। आधे ना धाती ना धाधे ना धाती ना, 240 आप इसका टेम्पो रख सकते हैं दोस्त। ओरिजिनली ई माइनर पे गाया गया है इसको, इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल पिच है जो दोस्तों वो है तीसरा सफ़ेद। परंतु इस लेक्चर के पर्पस से और आप ताकि रियाज करने के लिए आपको सहूलियत रहे, तो मैंने इसका पहला काला अर्थात सी शार्प माइनर मैंने इसका टॉनिक पिच लिया है ना दोस्तों। तो शुरू करते हैं ये खूबसूरत ठुमरी। लब पर आए गीत सुहाने, पधनी सा सानी पधरे सा। लब पर आए गीत सुहाने, पधनी निसा सानी पधरे सा। आप यहाँ पे ब्रैकेट देख रहे हैं, इसका मतलब नी पे हल्की सी मुरकी है, नी नी पधरे सा है ना दोस्तों। माने ना जियरा लाख बहाने, ने 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 धापा मनी धापा पामरे, याद तिहारी आए सताने। रे मा पधा पधा निधा पामरे सनी मागा, मध्यम पे मुर्की है दोस्तों। रे मा पधा पधा निधा पामरे सनी मागा, मन लागे रे पछताने हो। रे मा पानी पापा मरे सनी सरे रे गरे सा, मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया, सा सा गा गा गरे गा सा सा मामा। मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया, सा सा गा गा गरे गा सा सा मामा। बला मावा मरे मापनी सागरे जानी दबा मापा, बला मावा मरे मापनी सागरे जानी दबा मापा। ना जाओ परदेश पामानी पगरे ने सागा, ना जाओ परदेश पामानी पगरे ने सागा। सजना जी करो मैं कैसे राजी, सा सा गा गा गरे गा सा सा मामा। पिया जी मरे मा पानी सागर सनी दबा मापा, मरे मा पानी सागर सनी दबा मापा। लागे जिया कोठे पामानी पगरे सनी सा मगा पमगा, पामानी पगरे सनी सा मगा पमगा। ओ मन की पीरा कोई न जाने, नी धपा मा पानी नी रे मामा पापा। मन ही जाने न जानो न जाने बेरी ये दुनिया, रे गरे सारे मामा रे मा पापा। मा पा धा पा धा नी धर रे सा धा पा मा पानी धनी रे सा नी धपा। मन ही जाने न जानो रे गरे सारे मामा रे मा पापा, न जाने बेरी ये दुनिया। मा पा धा पा धा नी धर सा धपा मा पानी धनी रे सा नी धपा। लड़ पछताओ समझ ना पाओ, पधनी नी सा सा नी पधरे सा। रूठे पिया को कैसे मनाऊं, नी 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 धा धा पा मा धा पा 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 मरे। भेद जिया के किसको बताऊं, रे मा पा धा रे मा पा धा पा धा नी धा पा मरे। किसको बताऊं कलेश। अब दोस्तों देखो यहाँ पे बताऊं पे
थोड़ा अलग है, किसको पर किसको पर, तार सप्ताह का षड रे मा पा सा, किसको बताऊं कलेस हो, रे मा पा सा पा पा मा रे सा नी सा रे गरे सा, कनाई न छोड़ रे कलाई, सा सा गा गा गरे गा सा सा मा मा दुहाई, मा रे मा पा नी सा गा रे सा नी रे मा पा, भूल न जाओ दरवेश, पामानी पगरे सने सगो। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी नोटेशन रहेगी। चलिए मैं अब इस पूरी ठुमरी को आपको मैं ताल के सहित गा के बताता हूँ। टेम्पो आप ताल के लिए 240 रख सकते हैं, ताल दादरा। लब पर आए गीत सुहाने, माने ना जियरा लाख बहाने, लब पर आए गीत सुहाने, माने ना जियरा लाख बहाने, याद तिहारी आए सताने, मन लागे रे पछताने हो, मोरे सही बलमाना जाओ परदेश, सजना जी करूं मैं कैसे राजी, पिया जी लागे जिया कोठे, ओ मन की पीरा कोई न जाने, मन ही जाने न जानो जान पर ये दुनिया, लड़ पछताओ समझ ना पाओ, लड़ पछताओ समझ ना पाओ, रूठे पिया को कैसे मनाओ, भेद जिया के किसको किसको बताऊं कलेश हो, कनाई न छोड़ रे कलाई, दुहाई भूल न जा दरवेश, मोरे सैया मैं लगूं तोरे पैया, बलम देखिएगा दोस्तों किस प्रकार लिया है। लागे जिया कोठे, लागे जिया कोठे, लागे जिया कोठे, लागे जिया कोठे, लागे जिया लागे जिया को, लागे जिया को ठे। तो ये थी दोस्तों एक खूबसूरत बंदिश लब पर। आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर बनाने में। आप इतना समझते होंगे कि एक नोटेशन लिखना और उसको एग्जीक्यूट करना, सर्वप्रथम तो खुद ही रियाज करना है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।